आज से पहले जितने भी चैप्टर्स थे वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी चैप्टर थे लाइक बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन से 200 साल पहले क्या क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन इट उसके फंक्शन क्या होते हैं लाइक इन जनरल टर्म्स पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे देश आजकल कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वॉट एक्जैक्टली इज जस्ट द जनरल मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन देर आर सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली स्टार्ट एट टॉक अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमने पढ़ा प्रीएम्बल कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहरों जो उसकी एक प्रस्तावना दी हुई है विच इज अगेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर इट डिट्यूशन आज लिटरल आर्टिकल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नाउ इवन बिफोर वी बिगिन एंड ऑन देंजर ऑफ साउंड रिपीटेटिव हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़े सारे से पार्ट्स में डिवाइडेड है लाइक like, कॉन्स्टिट्यूशन uh, का एक पार्ट है पार्ट वन एंड देन इट पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट समथिंग इन डिटेल जैसे कि ये पार्ट वन यूनियन एंड टेरिटरीज इंडिया का जो यूनियन है और उसकी टेरिटरीज जो है उसके बारे में डिस्कस करता है एंड इसके अलग अलग आर्टिकल होते हैं जैसे आर्टिकल वन में कोई इंफॉर्मेशन है आर्टिकल टू थ्री एंड फोर एंड सो ऑन एंड ऑन तो ये सिर्फ चार आर्टिकल का है देन उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है पार्ट टू जो कि बेसिकली सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करता है

तो so, ये आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन करेंगे जिसके अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कशन होगा आर्टिकल वन टू फोर पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यूनियन और इसकी टेरिटरी से डील करते हैं अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं जैसे ही लाइक एन आर्टिकल वन आपके सामने आता है आर्टिकल वन तो वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स you know what actually in lakshmi gandhi article we should actually read the exact article of the indian constitution shall we exactly and this is uh, the ministry of external affairs so this is how the constitution actually looks look at it पार्ट वन लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स द स्टेट एंड द टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स द यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बहुत ही सिंपलिस्टिक बात है कि हमारा जो पहला आर्टिकल है वो पहले हमारा नाम बता रहा है कि इंडिया दैट इज भारत ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा उसके बाद जो स्टेट और टेरिटरी हैं कौन कौन सी होंगी उसमें वो बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताई गई है और टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो इसके राज्य हैं उसकी टेरिटरी और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी टेरिटरी एंड दैट इज अवर फर्स्ट आर्टिकल एंड सो ऑन ऑन इस प्रकार से इसके अंदर टोटल जैसे जैसे आर्टिकल्स होते हैं हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे राइट right. लेकिन हमें बेसिकली अकेडमिकली इसको पढ़ना तो हमें थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे ये प्रोविजन दो चीजों से डील करता है सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री विच इज इंडिया दैट इज भारत एंड दूसरा पॉलिटी किस प्रकार की होगी नाउ ये इंसिडेंटल बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस बात पर डिबेट चल रहा था कि हमारे देश का नाम इंडिया यूज किया जाए या भारत यूज किया जाए ज्यादा uh, क्या नाम है एंशियंट टर्मिनोलॉजी या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के बीच में एंड समी अदर नो कंक्लूज कंक्लूजन वॉज एवर रीच तो काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज एंड दे अडोप्टेड अ मिक्स ऑफ बोथ इंडिया

दिस पर्टिकुलर वर्ड यूनियन और जो फेडरल है इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पैरल में या उनसे रिलेटिवली में उनके कंपेरेटिवली पढ़ा जा सकता है डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जो ये वर्ड यूनियन ऑफ द स्टेट्स को प्रेफर किया गया था राधर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स इसके हमने दो रीजन रखे हैं सबसे पहले हमारा जो फेडरेशन है वो कोई अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए फेडरल कंट्री लेकिन उनकी फेडरल कंट्री इसलिए है क्योंकि उनकी स्टेट्स जो थी जो उनके राज्य हैं उन्होंने अग्रीमेंट किया था नेशन बनाने का उन्होंने अग्रीमेंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाने का ना दिस इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द इंडिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पहले ही से ही एग्जिस्ट करता था हमने वो जो राज्य बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव केपेबिलिटीज के लिए बनाए गए हैं सेकेंड द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम फेडरेशन हमारे जो राज्य हैं उनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो एक्चुअली में देश से सीसीड हो सकते हैं या अलग होने की अलगाव कर सकते हैं फेडरेशन इज बेसिकली इनडिस्ट्रक्टिबल कंट्री इज एन इंटीग्रल होल और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए अब ये बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम यूएसए के कॉन्टेक्ट में पढ़ते हैं यूएसए की जो स्टेट्स हैं वो पहले से थी उसके बाद वो नेशन बनाए थे लेकिन इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बनाए हैं इंडिया एज ए होल इज एक्चुअली वन सिंगल कंट्री वन सिंगल यूनियन आर्टिकल के अंदर हमने दो और चीजें देखी है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो बेसिकली तीन भागों में क्लासीफाई की जा सकती है तीन प्रकार की कैटेगरी द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द स्टेट्स द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट जैसे कि हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल सॉरी बंग, वेस्ट बंगाल बिहार मणिपुर मिजोरम सेकंड यूनियन टेरिटरीज जैसे कि हो गया डेली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ये जो होते हैं एंड टेरिटरीज दैट मे बी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम अगर हम आने वाले फ्यूचर में किसी को अक्वायर कर लेते हैं किसी टेरिटरी को सो दैट वुड बी कॉल्ड एज टेरिटरी ऑफ द इंडिया अब जो ये नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है इन सबको हमने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैंशन किया हुआ है ओके okay? सो so, हमारा जो पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा साथ ही साथ सप्लीमेंट किया जाता है शेड्यूल वन के साथ ठीक है पार्ट वन तो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टेट और टेरिटरीज की जो टेरिटरीज हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो टेरिटरीज हैं दैट इज दून इंडिया की टेरिटरी लेकिन वो एक्चुअली में लिखी कहाँ पे हुई है वो शेड्यूल वन के अंदर डिटेल में लिखी हुई है उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट और उनका नाम क्या होता है न एट प्रेजेंट अगर हम आज बात करें दो की दो मैं मैं कहना नहीं चाहता 2024 भी बट होपफुली टू थाउजेंड में भी कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है बट एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज वो पूरे के पूरे, इन के और आठ यूनियन टेरिटरी के ऊपर लागू होते हैं एंड जहां पर लागू नहीं होते हैं वहां पर एक्स्ट्रा मेंशन किया गया होगा और किसी पर्टिकुलर पार्ट पे कुछ स्पेशल प्रोविजन लागू किए तो वो भी मैं पार्ट ट्वेंटी वन में एक्चुअली में जो जो स्पेशल प्रोविजन हैं और जिस जिस स्टेट्स पर लागू होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं नाउ देर आर एग्जैक्टली पर्टिकुलर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड आसाम मणिपुर आंध्र प्रदेश तेलंगाना सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा एंड कर्नाटका ये स्पेसिफिकली स्टेट्स हैं जिनके ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजन्स हैं जो कि पार्ट ट्वेंटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और वो वहां पर मैंशन है ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम सेकेंड दो और चीजें हैं फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जो भी देश की स्टेट्स हैं उसमें पर्टिकुलर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन वाइडर एक्सप्रेशन दैन द टर्म ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इट इज वेरी पैराडॉक्सिकल ठीक है सुनने में पैराडॉक्सिकल लगता है लेकिन क्वेश्चन uh, के पर, uh, मतलब प्रिलिम्स की परस्पेक्टिव से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा दर्ड यूनियन ऑफ इंडिया मीन जो स्टेट्स होती है जितनी भी राज्य हैं

ज यूनियन टेरिटरीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली जो यूनियन गवर्नमेंट है नेशनल गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है डायरेक्टली उनके पास एक्स्ट्रा स्पेशल पावर्स नहीं है और कई जगहों पर जब स्पेशल कुछ पावर्स मिलती है उनको तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लिखना पड़ता है चलिए बींग सॉवरिन स्टेट इंडिया एक्चुअली कैन अक्वायर फॉरन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिक्वायर्ड बाई द इंटरनेशनल कितने तरीकों से हम बेसिकली फॉरन टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं सेशन ट्रिटी परचेज गिफ्ट लीज प्लेविइट ऑक्यूपेशन कॉन्क्वेस्ट और सब्जुकेशन देर आर फोर वेज टू एक्वायर अ टेरिटरी वन विज सी सीड कर दे दूसरे देश के साथ एक हमने हमने एक हमने हमने कर कर दिया या उनसे लिया ट्रीटी के द्वारा ले लिया दूसरे देश ने हमें गिफ्ट कर दिया या उनसे लीज कर लिया दैट इज वन देन ऑक्युपेशन ऐसी कोई हिदर टू अनऑक्युपाइड बायोगनाइज रूलर ऐसी कोई टेरिटरी जो कि किसी ने रेकोग्नाइज ना कर रखी हो कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो कि रेकोग्नाइज हो लेकिन फिर हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया हो या फिर सब्जुगेशन से इंडिया ने ऐसी कई फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर की हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस दादरा नगर हवेली गोवा दमन एंड दीव पुडुचेरी सिक्किम ये बेसिकली ऐसी स्टेट्स थी या ऐसी टेरिटरीज थी जो कि इंडिया में नहीं थी लेकिन हमने इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक्वायर किए तो आर्टिकल वन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन दी है इंडिया की और उसकी टेरिटरीज की देन देर आर टू आर्टिकल आर्टिकल टू एंड दी आर्टिकल थ्री जो कि दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है आर्टिकल टू पार्लियामेंट को पावर देता है टू एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट मतलब कि आर्टिकल दो पावर देता है पार्लियामेंट को सबसे पहले द पावर टू एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स सो देर आर सम स्टेट्स जो कि इस समय एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया के साथ नहीं है लाइक like, इंडिया में सिर्फ ट्वेंटी एट स्टेट्स है सपोज करो कि ट्वेंटी नाइन भूटान को इंडिया की ट्वेंटी स्टेट्स बनानी हो ठीक है तो ऐसी स्टेट बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है हाउ आर्टिकल टू में ऐसा लिखा हुआ है कि आर्टिकल टू इंडिया के पार्लियामेंट को पावर देता है कि इंडिया में अगर कोई नई स्टेट को ऐड करना हो एडमिट करना हो स्टैब्लिश करना हो तो वो कर सकता है दूसरा पावर टू एडमिट एंड पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स किन बेसिस पर किया जाएगा क्या रूल्स होने चाहिए यह भी बेसिकली पार्लियामेंट बना सकता है तो देखो द फर्स्ट रेफर्स टू एडमिशन ऑफ द आर ऑलरेडी इन इन द द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर नॉट बिफोर इसको कहने का क्या मतलब है कि भूटान की अगर कोई स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है उसको एडमिट कर लिया अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको हमने नया बना दिया तो ये आर्टिकल टू उसके बारे में बात करता है जो कि नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है अभी तक

फिर आर्टिकल टू ये कहता है कि इंडिया के पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसी स्टेट जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है उनको एडमिट कर सकता है चाहे वो एग्जिस्टेंस में हो चाहे वो एग्जिस्टेंस में नहीं हो ये दोनों की दोनों पावर पार्लियामेंट के पास है एंड देन आर्टिकल थ्री पर हम जाते हैं तो आर्टिकल थ्री ऐसी ही कुछ पावर एग्जिस्टिंग स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में देता है आर्टिकल थ्री रिलेट्स टू फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन अदर वर्ड्स आर्टिकल थ्री डील्स विद द इंटरनल री मतलब कि सपोज कीजिए कि मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है पार्लियामेंट कैन डू दिस मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश को दो भागों में एक और एक और बेसिकली छत्तीसगढ़ के बीच में बांट सकता है है और ये पावर आती पार्लियामेंट के पास आर्टिकल नंबर थ्री में लेके लेकिन अगर भूटान नाम की किसी स्टेट को एड, एड करना है नया न्यू एस्टेब्लिश करनी है जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये पावर आती है बेसिकली आर्टिकल नंबर टू के अंदर से अब आर्टिकल थ्री पार्लियामेंट को स्पेसिफिकली पावर्स देता है कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और पार्ट्स ऑफ द स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी मतलब कि हम कोई भी नई स्टेट बना सकते हैं एक टेरिटरी को हटा के जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले मध्य प्रदेश इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट हुआ करती थी लेकिन ईयर 2000 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और उसको डिवाइड करके दो भागों में बांट दिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश की टेरिटरी में से कुछ टेरिटरी को निकाल के एक नई स्टेट बना गई जिसका नाम था छत्तीसगढ़ यानी कि सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी से जरूरत पड़ने पर किसी की टेरिटरी दो स्टेट्स की टेरिटरी को यूनाइट भी किया जा सकता है या पार्ट निकाला जा सकता है एनीथिंग इज पॉसिबल अगर स्टेट के अंदर चेंज करना है तो इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है डिमिनिश कर सकता है बाउंड्रीज चेंज कर सकता है और जरूरत पड़ने पर नाम भी चेंज कर सकता है रिसेंटली ओडिशा का जो नाम था वो ओडिशा किया गया था इट वॉज अदर इट वॉज ओडिशा और फिर ओडिशा किया गया था no, no. और फिर ओडिशा किया गया था आर्टिकल थ्री लेकिन इसमें दो कंडीशन पहले से लिख के बताता है कि ये पॉसिबल है लेकिन इसकी दो कंडीशन होनी चाहिए सबसे पहले पार्लियामेंट जब ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करेगा ये जो भी कोई भी काम होगा ये पांचों काम करने के लिए सो इट शेल कम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट पहली बात तो ये दूसरा ये जो ऐसा जब भी करने का प्लान हो तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है यानी कि विधानसभा होती है उसको एक बार इंटीमेट करके उनके व्यूज ले लेना चाहिए रिपीट क्या होता है आर्टिकल थ्री दो कंडीशन बता रहा है कि टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स बिल दी कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रेकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट पहली कंडीशन है कि प्रेसिडेंट की होनी है। दूसरी, को रेफर करना पड़ेगा space, आर्टिकल थ्री के अंदर एंड वेन दे वॉन्ट टू एग्जीक्यूट समथिंग लाइक सबसे पहली चीज तो यह है कि जो बिल आएगा पार्लियामेंट में वो प्रेजिडेंट के रिकमेंडेशन पे आएगा फाइन ईजी टू डू इट प्रेजिडेंट वही काम करते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करते हैं तो ये हो जाएगा दूसरा रेफर किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लेजिस्लेचर को भी बेसिकली रेफर किया जाना चाहिए उससे क्या होगा स्टेट लेजिस्लेचर अपना कंसर्न बताएगा या एक्सप्रेस करेगा अपने ओपिनियन को कि वेदर दिस शैल बी डन और नॉट तो मध्य प्रदेश को अगर हम बाइफरकेट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सो द सेम बिल वुड बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास भी ये ओपिनियन ये बिल भेजा जाएगा उनसे ओपिनियन सीख करने के लिए द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर न्यू स्टेट इन्क्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी ए बाईनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और द यूनियन टेरिटरी यहाँ पे हमने जो वर्ड स्टेट यूज किया है पिछले वाले जितने भी प्रोविजन थे इसमें जो भी वर्ड स्टेट यूज किया है इट ऑल्सो मीन्स यूनियन टेरिटरी मतलब कि नई यूनियन टेरिटरी भी क्रिएट की जा सकती है मतलब कि यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिमिलर है चाहे अलग से मैंशन नहीं किया गया Now the most important part, President or Parliament is not bound by the views of the state legislature. अब जो ये reference पर state legislature ने कुछ भी reference दिया, so they said कि do not do it, मध्य प्रदेश को bifurcate मत करो. तो President and in that context Parliament also is not bound by the state legislature. वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक formality है, state legislature को reference देना, वो accept भी कर सकते हैं, चाहे तो उनकी बात, चाहे वो reject कर सकते हैं even

इन द यूनियन टेरिटरी किसी भी प्रकार का रेफरेंस देने की भी जरूरत नहीं है टू कंसर्न लेजिस्लेचर अब हर एक यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर नहीं होता लेकिन तीन यूनियन टेरिटरी है दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जिनकी जिन जो कि यूनियन टेरिटरी है और इनका लेजिस्लेचर भी है इनमें अगर कुछ भी चेंजेस करना हो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उनको लेजिस्लेचर को भी बताने की जरूरत नहीं है रेफरेंस भी देने की जरूरत नहीं होगी द पार्लियामेंट कैन इट सेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट सीम्स सो इफ वी सी द आर्टिकल नंबर थ्री सो

कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन यूएसए में थोड़ा सा हल्का है वहां पे जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज बेसिकली गारंटीड द कॉन्स्टिट्यूशन सो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नेशनल जो गवर्नमेंट होती है अमेरिका की दे केन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट दफ द स्टेट कंसर्न तभी यूएसए को कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बेसिक टेक्निकलिटी uh, की टेरिटरी right? जितनी भी स्टेट की टेरिटरी और जो यूनियन टेरिटरी है वो इंडिया की टेरिटरी है और यह सारी की सारी लिस्टेड कहां परिस्टेड है शेड्यूल वन के अंदर ना सपोज करो किसा का नामीसा कर दिया नाम बदल दिया अब ये जो नाम होगा चेंज करने के लिए शेड्यूल वन में नाम चेंज करना पड़ेगा बिकॉज शेड्यूल वन में तो ओडिशा लिखा हुआ है नाउ हैव टू टू चेंज चेंज इट तो इसको कर दो और अगर अगर इसके दूसरे केसेस भाई अगर हमने मध्य प्रदेश को बाइफरकेट करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिवाइड किया है तो यहां पे जो शेड्यूल वन है यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी पहले यहां पे मध्य प्रदेश का एरिया जो था वो कम किया जाएगा उसके बाद एक नया स्टेट छत्तीसगढ़ भी बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ भी लिखा जाएगा तो जब भी आर्टिकल थ्री यूज होता है तो शेड्यूल वन के अंदर चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ राज्यसभा अब एक अगर नई स्टेट क्रिएट हुई है तो उस स्टेट से राज्यसभा में भी मेंबर्स जाएंगे तो राज्यसभा में भी उनके लिए सीट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और वो जो दिया चीज गई है वो दी गई है शेड्यूल फोर के अंदर शेड्यूल फोर में वो इंफॉर्मेशन है कि राज्यसभा से किस स्टेट में कितने मेंबर जाते हैं तो वेन वी क्रिएट न्यू स्टेट और डू सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर चेंजेस

तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा तो पार्लियामेंट में टू की मेजोरिटी से बिल को पास कराना पड़ेगा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी विच इज स्लाइटली डिफिकल्ट सो हेंस डिफिकल्टी ना क्रिएट हो और यूनियन के पास कंप्लीट पावर रहे uh, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को चेंज करने के लिए आर्टिकल फोर इट सेल्फ कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं एडमिशन और आर्टिकल टू एंड ऑल ऑफ आर नॉट टू बीसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए आर्टिकल टू और थ्री के अंदर या तो कोई नई फॉरन स्टेट्स को मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ में बदले या बिहार को डिवाइड करके बिहार और झारखंड में बदल दे ऐसा तब भी करे तो आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं होगा रादर वो बिल एक सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा दिस मीन्स लॉज कैन बी पास बाय सिंपल अटी और बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यू गेट इट वट हैपन? समझे बात को आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल थ्री और आर्टिकल फोर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट विच इज़ ए स्लाइटली डिफिकल्ट प्रोसेस इससे अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करोगे जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो फंडामेंटल राइट right में एक नया ऐड करना है राइट टू प्राइवेसी तो राइट टू प्राइवेसी का अगर आर्टिकल ऐड करवाना चाहते हैं हम तो वो हम सपोज कीजिए कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल में ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक नया बिल लाना पड़ेगा तो लोकसभा में टू प्रोसेस है फंडामेंटल राइट करने का यही वाला प्रोसेस हम स्टेट्स का नाम चेंज करने में लगाएंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इट वुड बी मच मोर डिफिकल्टेंस आर्टिकल फोर के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आर्टिकल नंबर टू और जब भी आर्टिकल नंबर थ्री की पावर्स को पार्लियामेंट यूज करे सो आर्टिकल थ्री को अप्लाई नहीं होना है इट विल नॉट बी अप्लाइड जाएगा, एंड दैट वुड बी दैट वुड ब्रिंग द चेंज तो अगर ओडिशा का नाम चेंज करके ओडिशा करना है ओडिशा का नाम चेंज करके ओडिशा करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास कर दिया जा सकता है

तो अगर हम किसी स्टेट का कोई पार्ट निकाल के किसी फॉरेन कंट्री आ, किसी हम स्टेट का पावर सॉरी किसी भी राज्य का जो एरिया है वो डिमिनिश कर सकता है पार्लियामेंट ये लिखा हुआ है आर्टिकल थ्री में पर क्या इसका मतलब है कि वो जो एरिया डिमिनिश किया है, वो एरिया निकाल के किसी फॉरेन कंट्री को दे दिया जा सकता है ये क्वेश्चन था दिस डिबेट केव इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन नाइन हंड्रेड सिक्सटी वाई डिड दिस कम देखो एक केस था सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जिसका जिसको कहते हैं बेरुबारी यूनियन बेरुबारी यूनियन का जो केस है ये हमने के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था बेरोबारी केस ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी आज जिसको बांग्लादेश कहते हैं 1960 में उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे तो 58 और 59 में इंडियन गवर्नमेंट और ईस्ट पाकिस्तान के साथ बेसिकली कुछ आर्ग्यूमेंट सॉरी uh, कुछ अग्रीमेंट नॉट आर्ग्यूमेंट वैसे आर्ग्यूमेंट तो हमेशा चली रहे थे बट बेसिकली कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे उन को कहते हैं, नून दोनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में दो एक, कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे जिनको नेहरू नून अग्रीमेंट कहते हैं नून अग्रीमेंट वपोज टू सॉल्व द ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर इश्यूज इसमें क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल का एक एरिया था जिसको बैरूबारी यूनियन कहते हैं यह एरिया इंडिया की तरफ पड़ना चाहिए था लेकिन जब रेडक्लिफ ने अवार्ड दिया तो ही वॉज नॉट एबल टू क्लैरिफाई यह डिस्प्यूट में बदल गया इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेहरू नून अग्रीमेंट साइन हुआ एंड इट वॉज प्लान की बैरूबारी यूनियन को हाफ बांट के आधा बांग्लादेश को दे देंगे आधा इंडिया को दे दिया जाएगा अवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बेसिकली चैलेंज दिस अब इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्टिकल थ्री यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट को पावर देता है कि हम किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकते हैं एंड जो वेस्ट बंगाल था या फिर बेसिकली जो सेकंड साइड थी उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्ग्यूमेंट स्टेट को एरिया को डिमिनिश करने का है बट सीडिंग दी टेरिटरी इज नॉट पॉसिबल

सुप्रीम कोर्ट ने जब यह जजमेंट दी तो नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया नाइन्थ कर दिया गया टू सीड टू ईस्ट पाकिस्तान अबेवर उसके बावजूद भी और कई सारे लिटिगेशन हुए थे तो वो कभी अनाउंस नहीं किया गया उसको कभी नोटिफाई नहीं किया गया सो टेरिटरी नोन एज द बेरोबरी यूनियन टू द ईस्ट पाकिस्तान ठीक है ईस्ट हुआ या वेस्ट हुआ ईस्ट ईस्ट हुआ ना ही तो बड़ा स्टेट हाँ ईस्ट पाकिस्तान लेड टू पॉलिटिकल एजिटेशन एंड कंट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो प्रेजिडेंशियल रेफरेंस दे दिया गया आर्टिकल नंबर हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री वन हंड्रेड फोर्टी थ्री जब प्रेसिडेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो प्रेसिडेंट कैन रेफर दैट टू सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पार्लियामेंट द पावर टू सीड यूनियन टेरिटरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एरिया ऑफ द स्टेट को डिमिनिश किया जा सकता है पर इसके अंदर सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरिन कंट्री इन्वॉल्व नहीं होता विच मीन टू से कि यू कैन डू दिस बट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि जो बिल आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर रहे हो आपको बेसिकली वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर थ्री एंड हेंस कॉन्सिक्वेंटली नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था ताकि वो टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान को दे दी जाए परंतु वेरी इंटरेस्टिंगली उसके बावजूद भी वो नोटिफाई नहीं किया गया तो दैट डिट एक्चुअली हैपन वो हुआ नहीं

बांग्लादेश लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है ठीक है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर नॉट लार्जेस्ट व्हाट डू यू बाय लार्जेस्ट इट इज सपोज टू बी लॉन्गेस्ट दिस माइट गिव सम आइडिया सो so, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे दैट वॉज परटेनिंग टू दी एनक्लेव एनक्लेवस का क्या मतलब होता है देखो यहां पर ये बांग्लादेश है ग्रीन कलर का बांग्लादेश के अंदर ये ब्लू वाला जो इंडिया का मैप है और उसके इंडिया की टेरिटरी के अंदर कुछ था जो कि बांग्लादेश का एरिया था और इस बांग्लादेश के अंदर कुछ था जो कि इंडिया का एरिया था ये पूरे वर्ल्ड आई होप यू कैन सी दिस दिस इज बांग्लादेश दिस इज इंडिया उसके बाद इंडिया की टेरिटरी के अंदर ये जो एनक्लेव है ग्रीन कलर का ये बांग्लादेश और इस बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर एक और जो एनक्लेव था ये बेसिकली इंडिया का था ऐसे 111 एनक्लेव बांग्लादेश के थे ऐसे कुछ 51, वन एन फिफ्टी वन एनक्लेव जो बेसिकली इंडिया के थे तो ये जो डिस्प्यूट था पिछले सत्तर सालों से चल रहा था इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी जिसके बीच में एक अग्रीमेंट नाइनटीन में साइन किया गया था बट वो जो

इंडिया के अंदर थी लेकिन थी बांग्लादेश की वो हमें उनको देनी थी और जो बांग्लादेश के अंदर थी इंडिया के अंदर थी इन दोनों के बीच में इक्वल करना था कि एक सिंगल बॉर्डर बना देते हैं ये एनक्लेव वाला सिस्टम जो है इसको खत्म कर देते हैं इंडिया ट्रांसफर्ड हंड्रेड एंड इलेवन एनक्लेव टू बांग्लादेश यानी बांग्लादेश के अंदर ऐसे एक सौ ग्यारह एनक्लेव थे जो कि इंडिया के थे तो वी गेव इट टू एंड बांग्लादेश ट्रांसफर्ड फिफ्टी वन एनक्लेव टू इंडिया यानी इंडिया के अंदर बांग्लादेश के ऐसे 51 वन एनक्लेव थे जो कि बांग्लादेश ने हमें दे दिए इसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ एडवर्स डिमार्केशन ऑफ ए 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच वो बॉर्डर था वो जो कभी भी मार्क, मतलब क्या नाम उस पर एग्जैक्ट मार्किंग्स नहीं हुई थी कि तुम्हारा ये है हमारा ये है पॉइंट किलोमीटर का उसको किया गया था इस पर्पस के लिए अमेंडमेंट मोडिफाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू द टेरिटरीज ऑफ द फोर स्टेट्स सो तो अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का मैप देखेंगे तो टोटल चार स्टेट्स बेसिकली बांग्लादेश के साथ लगती है आसाम वेस्ट बंगाल मेघालय और त्रिपुरा तो उन सब में वो एनक्लेव्स आते थे जो बांग्लादेश के एनक्लेव्स थे और बांग्ला जब टेरिटरीज को उनको दिया जाएगा तो इन चारों की टेरिटरीज भी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे इनको भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चेंज किया गया बैकग्राउंड पूरा का पूरा पढ़ते अब आ जाएगा ठीक है अब ध्यान से आएगा इंडिया और बांग्लादेश की कॉमन लैंड बाउंड्री है किलोमीटर की, अब इंडिया पाकिस्तान का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो रेड क्लिफ के द्वारा उन्नीस में दिया गया था लेकिन उस अवार्ड के बावजूद भी कुछ स्पेसिफिक डिस्प्यूट रह गए थे ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के साथ विच वॉज सॉट टू बी रिजोल्व

पॉलिटिकल इश्यूज वर रोज तो प्रेसिडेंट ने बैरूबारी केस था ये जो नेहरू नून अग्रीमेंट है ये को दो भागों में डिवाइड करके एक ईस्ट पाकिस्तान को एक भारत को दे रहा था वेस्ट बंगाल साइड सेट दैट इट इज पॉसिबल आर्टिकल थ्री के अंदर मैं, मैं किसी भी स्टेट की जो एरिया uh, उसको डिमिनिश कर सकता हूं प्रेजिडेंट कॉन्ट्रोवर्सी प्रेजिडेंट बेसिकली रेफर दिस मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कि

पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और जिस ईस्ट पाकिस्तान था वो बेसिकली हो गया बांग्लादेश तो बांग्लादेश के साथ फिर दोबारा से जब रिलेशंस और बेटर करने की कोशिश की गई तो 1974 मई 16 1974 को अग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि वो जो लैंड बाउंड्री है उसको क्लियरली कट डीमार्केट कर देंगे और जो भी लैंड बाउंड्री इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेके म्यूचुअली ठीक है डन हुआ

तभी अप्लाई होगा जब उसको लेजिस्लेचर रेटिफाई कर देगा पार्लियामेंट रेटिफाई करेगा तो वो अग्रीमेंट हो तो गया था लेकिन वो रेटिफाई नहीं हुआ था रेटिफाई किया नहीं गया। रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफर्ड तो ये 1974 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अग्रीमेंट तो हो गया कि हमें बेसिकली अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है लेकिन दो इश्यूज रह गए पहले तो वो अग्रीमेंट रेटिफाई नहीं किया पार्लियामेंट ने एंड सेकंड ये भी डिबेट अभी सेटल नहीं हुआ था कि कि हाउ डू यू डिफाइन प्रिसाइज एरिया जो इन दोनों एक दूसरे से शेयर करना है जो ये अनडिमार्केटेड बाउंड्री का प्रॉब्लम था एक्सचेंज जो ये एनक्लेव करने थे इनको आइडेंटिफाई किया गया एक 1997 में दोबारा से एग्रीमेंट हुआ जिसमें इन दोनों ने इंडिया और बांग्लादेश ने बेसिकली एक प्रोसेस फाइनलाइज किया जिसके बेसिस पे एनक्लेव्स और उनके एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा इट वाज फाउंड रिजोल्व बाय साइनिंग अ प्रोटोकॉल ऑन सितंबर सिक्स ऑफ 2011 एक 2011 में एक प्रोटोकॉल साइन कर दिया गया विच फाइनली साइन की हाँ 111 एनक्लेव बांग्लादेश के हैं इक्यावन इंडिया के हैं एंड देन वी एक्चुअली हैव टू ट्रांसफर इट विद दिस प्रोसेस टू गिव दिस पार्ट जो लैंड बाउंड अग्रीमेंट था उन्नीस सौ चौहत्तर का द प्रोटोकॉल वॉज प्रिपेयर विद सपोर्ट एंड कंकरेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल यहां पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है टेक्निकली इनका सपोर्ट और कंकरेंस नहीं चाहिए टेक्निकली लीगली नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चाहिए क्योंकि इन स्टेट से अगर हमें कुछ एरिया डिमिनिश करना या इंक्रीज करना है तो वी कैन डू इट विदाउट देयर कंसेंट बट मेक इट पॉलिटिकली स्टेबल है ताकि इसके controversy न हो ऑल द फोर इन्वॉल्व स्टेट असम मेघालय त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो लिया गया था एंडलीवन एनक्लेव टू देश एंड फिफ्टी वन बेसिकली टू द इंडिया एंड द मोरले स्टेटमेंट बिटवीन दी द कॉम्प्लेक्स बाउंड्री स्टेटमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश वॉर सोल्व अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एनक्लेव है जिसके ऊपर डिस्प्यूट बचा हुआ है बाकी सारे के सारे सॉल्व हो गए अब जो ये हमारा चैप्टर है इसमें हमें एक और चीज पढ़नी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का तो जो चार आर्टिकल है वो हमने कर ली और उतने ही है बहुत ही सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके साथ साथ हमें इसके कुछ और थोड़ी सी और चीजें पढ़नी है जिसपे क्वेश्चन जरूर आते हैं एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इंडिया का मैप अगर आज हम देखें तो टोटल अट्ठाईस स्टेट्स हैं और आठ यूनियन टेरिटरी है बट दिस नॉट ऑलवेज लाइक दिस अगर आप उन्नीस में होते तो इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिख रहा था दिस वॉज हाउ इंडिया इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं जब इंडिपेंडेंस हुआ थी भारत आजाद हुआ इंडिया में दो कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स थी ठीक थी। है ये हम कर चुके एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल किया करती थी दूसरा प्रिंसली स्टेट्स जो कि ब्रिटिश में थे मतलब कि दे वर रूल्ड बाय द नेटिव बट जो इंडिपेंडेंस थी नाइनटीन थी वो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन की थी ठीक है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया उन्होंने दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना दिए भारत और पाकिस्तान वो जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये, ये येलो एरियाज के बारे में था ये जो येलो एरियाज हैं इनको डिवाइड किया गया था ठीक है क्योंकि ये ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे तो इनको डिवाइड करके दो डोमिनियन बना दिए इंडिया और पाकिस्तान और जो ये जो ये ब्लू एरियाज हैं यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इनको ऑप्शन मिला था दैट यू कैन डू थ्री ऑफ एनी थिंग्स या तो तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो एंड इफ नेसेसरी तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो अब जो प्रेजेंट डे इंडिया की जोग्राफी है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है इसके अंदर टोटल पांच

दे वर ऑल्सो इंटीग्रेटेड ओवर द टाइम हैदराबाद बाई मीन ऑफ पुलिस एक्शन जूनागढ़ बाई मीन्स ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाई मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हुए थे और तीनों की तीनों जो स्टेट्स थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर जोग्राफिकली इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दी गई 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चार प्रकार की कैटेगरीज थी स्टेट्स की जिसको कहते थे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एंड पार्ट डी देखो इस प्रकार से इफ दिस इज हाउ इट इज ये पार्ट ए स्टेट ये पार्ट बी ये पार्ट सी और ये पार्ट डी आसाम बिहार बॉम्बे मध्य प्रदेश मद्रास उड़ीसा पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस और दी वेस्ट बंगाल ये वो वाला एरिया था जो कि बेसिकली द uh, स्टेट्स पार्ट ए में वो स्टेट्स थी जो कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल किया करते थे दी प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश पार्ट बी में वो स्टेट थी जो कि बड़ी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी एंड पार्ट डी के अंदर अंडमान निकोबार एक अलग से एक पर्टिकुलर सेपरेट स्टेट में एक ही टेरिटरी है ये सिस्टम पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी इन ऑल टोटल ट्वेंटी नाइन थे पार्ट ए में अर्सवाइल गवर्नर्स प्रिंसेस प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ठीक है ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस पार्ट बी में नाइन प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे और सम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर्बिट था पार्ट डी में रिपीट करता हूं से इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है आज जैसा दिखता है हमेशा से वैसा नहीं है नो डाउट इट नाउ लेट्स गो बैक टू दी नाइनटीन हंड्रेडी सेवन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन में जब इंडिया और

ही एंड श्योर दै विद इन बाय द टाइम इंडिपेंडेंस कम्स जो पांच सौ बावन प्रिंसली स्टेट्स इंडियन जोग्राफिकल एरिया में थी उनमें से पांच सौ उनचास को तो उन्होंने ज्वाइन करवा दिया तीन में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जूनागढ़ के अंदर आई थी हैदराबाद के अंदर आई थी और कश्मीर के हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन से लिया मतलब की वी जस्ट सेंट पुलिस और निजाम ने सरेंडर कर दिया आर्मी भेज दी मिलिट्री पुलिस का मतलब ये हमने पुलिस को भेज दिया मिलिट्री को भेज दिया कि हम अटैक करेंगे तुम्हारी हरकतें बहुत हो गई जूनागढ़ में बेसिकली वोट करवाई गई रेफरेंडम कराया गया लोगों ने वोट किया कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वो आ गया और कश्मीर के बारे में अगर मैं ना भी बताऊंगा तो आई बिलीव यू वुड हैव सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैशन कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे ही वॉज काइंड ऑफ इन अ मिक्स कि कौन से देश के साथ हो या ना जाओ मतलब ही वॉज प्रॉपर्ली नॉट श्योर प्रॉपर्ली वॉन्टेड टू मेक एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट पाकिस्तान बेसिकली अटैक कश्मीर वैन ई रियलाइज कि बेसिकली कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेंगे तो उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया सिंपल प्रोसेस हो गया लोगे अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया 1950 में तो जैसे आज अगर शेड्यूल वन खोलोगे तो शेड्यूल में दो चीजें मिलेंगी एक होगा स्टेट और 28 स्टेट्स के नाम होंगे और एक हो यूनियन टेरिटरीज और आठ यूनियन टेरिटरीज के नाम होंगे ये ऐसा हमारा शेड्यूल वन है लेकिन अगर आप 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस दिन अगर आप अपना शेड्यूल वन खोलते तो ये वाली टेबल दिखती टोटल चार कैटेगरीज की ए बी सी डी ए के अंदर वो थे जो कि पहले ब्रिटिश प्रोविसेज हुआ करते थे उनको लिखा हुआ है बी के अंदर प्रिंसली स्टेट थे लेकिन इनके लेजिस्लेचर हुआ करते हैं है, है प्रिंसली स्टेट लेकिन लेजिस्लेचर मतलब तो कुछ लोग इलेक्शन भी कर रहे और वैसे प्रिंस के द्वारा रूल बट लेजिस्लेचर भी है एंड सी के अंदर कुछ लेजिस्लेचर है और जो कमिश्नर के द्वारा रूल किए जाते थे कमिश्नर्स ब्रिटिशर्स के समय में कमिश्नर से रूल किया जाते थे कुछ प्रिंसली स्टेट और पार्ट डी के अंदर अंडमान

अलग अलग रीजन से डिमांड थी वेरी पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ इंडिया कि जो स्टेट्स हैं वो भाषा के बेसिस पर बननी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस आपको याद है अगर आपने हल्का सा भी हिस्ट्री पढ़ा है मॉडर्न uh, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो 1919 के समय में जब महात्मा गांधी ज्वाइंस द कांग्रेस सो जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमिटीज हुआ करती थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया गया था दैट वॉज द आइडिया लेकिन जब भारत का डिवीजन हुआ तो 1948 में गवर्नमेंट ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविजन प्रोविंसेस कमीशन बनाया जिसको कहते हैं धर कमीशन अलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है धर जी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धर इज इन uh, अलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे इन्होंने कहा कि इस चीज को फिजिबिलिटी करें तो ये 1948 में बनाया गया छह महीने में इन्होंने रिपोर्ट दे, दे दी दिसंबर में दिसंबर में एंड ही सेज नो डोंट डू इट

रीजन बींग क्योंकि उसमें तीन मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू जे वी पटेल एंड पी, पी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, पटेल एंड भाई, भाई दिसंबर 1948 में इन्होंने इन्होंने में, में में 1949 रिपोर्ट दी एंड यार लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स नहीं बनाना चाहिए एट टाइम द रूलिंग पीपल कांग्रेस इन पर्टिकुलर

लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट बनाने हैं इसकी जो डिमांड है वो वियर्डली ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉग होती है और लैंग्वेज इज वेरी वेरी मच एसोसिएटेड विद द आइडेंटिटी आई टेल यू समथिंग देखो अब तो तुम्हें पता है मैं बता ही देता हूँ पहली एंटाइक्लाइमेक्स कि हमारे जो देश की जो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन है दैट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड इट देर इज ऑब्वियसली क्रिटिसिजम फॉर इट बट इट एक्चुअली एंडेड अप इन फेवर ऑफ अस क्यों क्योंकि अगर हम श्रीलंका का और पाकिस्तान का केस देखें तो दे ब्रोक डाउन लाइक पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ ईस्ट क्या नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश में एंड सिविल वॉर हुई क्या नाम है श्रीलंका के अंदर भी रीजन बींग बिकॉज दे डिड नॉट केटर टू दीज पर्टिकुलर डिमांड्स वो वहाँ पर uh, uh, बंगला भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में बेसिकली प्राइमेसी देने से नहीं श्रीलंका वालों ने तमिल वालों को ऑटोनोमी नहीं दी एंड देट इज़ वॉट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द सेंस बट इंडिया वॉज एबल टू कंसीड टू दिस डिमांड विच हैज़ प्रोबेबली Uh, so, कर तो ट कर कर करना पड़ा जिसको कहते हैं आंध्रा स्टेट तो आंध्रा स्टेट वॉज दिच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सेपरेटिंग द तेलुगु स्टेट एरियाज फ्रॉम द मद्रास अब ये हुआ क्यों क्योंकि एक कांग्रेस के

Make a new a new three जिसको कहते हैं फजल अली कमीशन दो और लोग हैं नाम ही याद करने पड़ेंगे क्यों आ, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पेपर वन में दो से तीन क्वेश्चन आते हैं जिसमें यह क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं के एम पणिकर और एच एन कुंजरू ये 1955 में रिपोर्ट देते हैं एंड देन दे सपोर्ट दिस आइडिया कि

रीऑर्गेनाइजेशन हो प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथ यूनिटी ऑफ द सिक्योरिटी एंड दिन प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेर ऑफ द्लासिफिकेशन है इसको अबॉलिश कर दो एंड इज वर्ट द डेड टाइट इज अंडर दिनल एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड थ्री सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट तो हमने जो, जो देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी की सारी की मान ली, Government of India ने स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में, और 7th Constitutional Amendment Act पास किया, जो ये पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी की डिस्टिंगशन थी कि ये provinces थे, ये 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 थे, 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 हुआ हुआ करते थे, ये commissioner states हुआ करते मर्ज कर, कर दिया एडजस्टेंट स्टेट्स के साथ कुछ को यूनियन दिया, एज ए रिजल्ट फोर्टीन स्टेट्स एंड सिक्स यूनियन टेरिटरीज त्रिपुरा मणिपुर यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी लक्षद्वीप हिमाचल हिमाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी डेली अंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड ये चौदह स्टेट हो गई आंध्र प्रदेश आसाम बिहार बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र जो था उसमें बॉम्बे कहते थे कुछ गुजरात का भी पार्ट था जम्मू कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मद्रास तमिलनाडु को उस मद्रास कहते थे इस कर्नाटक एरिया ओरिसा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ठीक है एंड देन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आर ओवर द द पीरियड ऑफ बड़े सारे से चेंजेस हुए हैं स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट एस्टेब्लिश दी न्यू स्टेट ऑफ केरल बायजिंग दी ट्रेवन कोर कोचिन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड कासरगोड ऑफ साउथ कैनरा दक्षिण कन्नड़ तो ये जो स्टेट आई है यहां पर केरल की तो ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आई थी इन्होंने ट्रेवन कोर और कोचिंग स्टेट मतलब दे इट इट मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्र स्टेट टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश सो 1953 में जो मद्रास के जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उसको आंध्र स्टेट में डिक्लेयर कर दिया गया था अब इस आंध्र स्टेट के साथ साथ हैदराबाद के कुछ तेलुगु स्टेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को भी मर्ज करके आंध्र प्रदेश बना दिया गया मध्य भारत स्टेट को विंध्य प्रदेश स्टेट और भोपाल स्टेट के साथ मर्ज करके मध्यपार मध्य प्रदेश बना दिया गया सिमिलरली सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ को बॉम्बे में मर्ज कर दिया कूर्ग स्टेट को मैसूर में मर्ज कर दिया पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया अजमेर को राजस्थान में मर्ज कर दिया एंड इट क्रिएटेड न्यू ठीक है कोई ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ठीक है फिर धीरे धीरे नई टेरिटरीज बनी लगी हैं अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव डेटा है इफ यू वांट टू सी द मैप ऑफ द 1956 कुछ कुछ ऐसा दिखता था कुछ कुछ सी द होल गुजरात एंड द महाराष्ट्र इज बेसिकली कॉल्ड बॉम्बे एट दैट टाइम बिहार और झारखंड उस समय एक ही हुआ करते थे चलिए अच्छा उसके बावजूद भी चेंजेस तो होते रहे हैं नाइनटीन में महाराष्ट्र और गुजरात द बाई स्टेट ऑफ बॉम्बे अब बॉम्बे में एक जगह पर गुजराती बोली जा रही है एक जगह पर मराठी बोली जा रही है वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेपरेट स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग सो so, गुजरात वॉज इस्टेब्लिश एज ए न्यू स्टेट फिफ्टीथ बन गई अब देन दादरा एंड नगर हवेली पॉर्चुगीज इस टेरिटरी को रूल रू, रू करते थे नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर तक सब्सिक्वेंटली द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरड ऑन नाइनटीन सिक्सटी वन बाई द एडमिनिस्ट्रेशन

लेटर ऑन गोवा को बेसिकली स्टेटहुड बना दिया था दमन एंड को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया डन इन 2020 ट्वेंटी हवेली के साथ मर्ज करके एक सिंगल बना दिया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दू डी दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड इज अ वेरी लॉन्ग नेम फॉर यूनियन टेरिटरी

में स्टेट ऑफ पंजाब वाज टू क्रिएट हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ दिस फॉलोड द डिमांड फॉर सेपरेट सिख होमलैंड व्हिच वाज बाय द अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह तो शाह कमीशन ने रेकमेंड किया कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर दो पंजाब में और हिंदी स्पीकिंग एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट कर दो हरियाणा में और जो हिल एरियाज थे उनको बेसिकली हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया था 1971 में हिमाचल प्रदेश को फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया गया उन्नीस में नॉर्थ ईस्ट में कई सारे चेंजेस हुए थे मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों की दोनों जो थे यूनियन टेरिटरी इनको स्टेट बना दिया गया साथ ही साथ मेघालय को भी स्टेट बना दिया गया इसके साथ साथ मिजोरम की यूनियन टेरिटरी और अरुणाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी आ गई 1947 सिक्किम वॉज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल बायोगियाल उन्नीस सौ में जब लैप्स हुआ तो सिक्किम बिके में प्रोक्टरेट प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ इंडिया मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट उसकी डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस की रिस्पांसिबिलिटी हैंडल करते थे काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टरेट स्टेट 1974 में इसका सिक्किम का सुन लो ये थोड़ा सा स्पेशल है ठीक है सिक्किम वाज अ प्रिंसली स्टेट तो 1947 में जब आजाद हुए तो सिक्किम भारत की प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया इट वॉज रूल्ड बाई दोगियाल प्रोटेक्टेड स्टेट के बाद आते हैं में सिक्किम इज डिजायर फॉर द ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया तो एक एक्ट पास करते थर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल यूनिक केस क्रिएट करता है दे वी एडमिट इंडिया एडमिट सिक्किम एज एन एसोसिएट स्टेट अब ये कैटेगरी ना तो पहले एग्जिस्ट करती है और अभी भी कभी भी नहीं करती है सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के केस में थी दिस इंट्रोड्यूस ए न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी द एसोसिएट स्टेट इस पर्पस के लिए एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था और एक नया शेड्यूल टेंथ शेड्यूल ऐड किया गया था इंटरेस्टिंग चीज है ये ध्यान से सुनो इसको 1947 से लेकर 1974 तक सिक्किम जो है वो प्रोटेक्टरेट स्टेट है

रेफरेंडम हुआ एक साल के बाद उन्नीस सौ पिछहत्तर में लोगों ने वोट किया कि, तो कॉन्सिक्वेंटली छत्तीसवा अमेंडमेंट पास किया सिक्किम फुल फ्लेड स्टेट बना गया बन गया

राइट right? ठीक है बाकी सही है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा को फिर से स्टेट बना दिया मिजोरम को फुल स्टेटहुड बना दिया था मेमोरेंडम के बाद अरुणाचल प्रदेश जो कि उन्नीस से यूनियन टेरिटरी थी इनको भी कर दिया सब स्टेट बना देंगे हम ये 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए थे मध्य प्रदेश को बायफर करके छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में से उत्तरखंड बिहार में से झारखंड बैक टू बैक छब्बीस सत्ताइस अट्ठाइस फिर तेलंगाना बनाया गया था 2014 में आंध्र प्रदेश से द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना बना दिया गया था एंड एक लास्ट बाकी बचा हुआ है क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर टिल टू थाउजेंड नाइनटीन स्टेट एक लॉ पास किया गया आर्टिकल 17 को अबॉलिश किया गया और इस जम्मू एंड कश्मीर जो एक सिंगल स्टेट थी इसको दो यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया गया एंड दिस इज हाउ फाइनली इंडिया लुक्स ये अट्ठाइस स्टेट्स है और ये आठ यूनियन टेरिटरी है नाम भी चेंज किए गए हैं नॉट दैट यू नीड टू नो यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश बना 1950 में मद्रास को रीनेम कर दिया तमिलनाडु में मायसूर को रीनेम कर दिया कर्नाटका में लक्का देवी और अमिन देवी को लक्षद्वीप कर दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ डेली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली उत्तरांचल को उत्तराखंड पाण्डीचेरी को पुडुचरी ओरिसा ओडिशा How was it?